हेलो एवरीवन वेलकम टू विशाखा क्लासेस और आज का एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं मैथ्स के सेकेंड बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये लेक्चर सभी के लिए फर्स्ट टू एट स्टैंडर्ड और जिसको मैथ्स नहीं आता नाइन टेन के बच्चों को भी आजकल सब ट्रैक्शन इतने क्लियर नहीं है खासकर मल्टीप्लाई डिवाइड में तो वो भी मैं धीरे धीरे सिखाने वाली हूँ ईजी वे में तो आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन और लास्ट के लेक्चर में हमने सीखा था एडिशन जो अच्छे से गया था बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखा भी था और मेरे को सम्स करके होमवर्क मिला भी है लेकिन मैक्स स्टार्ट करने के पहले हमें क्या क्या लगेगा वो हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए एक नोटबुक नोटबुक क्यों हमें मैक्स करने वाले हैं यार मैक्स करने के लिए हमें कुछ तो सम सॉल्व आउट करना पड़ेगा और मैं स्टूडेंट्स से बोलूँगी कि आप जैसे मैं अभी स्टार्ट करूँगी मैक्स सिखाने के लिए अभी आपको आप मेरे को बुक में नोटबुक में हेडिंग का नाम जो जो मैं जैसा बोलूँगी आपको ये भी लिखना ये लिखना या ये लिखना है जो भी स्टेप्स बताऊँगी वो सभी स्टेप्स आपके नोटबुक में मेरे को चाहिए और उसके फोटोज आपको वो भी भेजना है प्लस आपका होमवर्क भी प्लस आपके जो मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ वो भी आपके नोटबुक में होने चाहिए अगर आप फोर्थ से लेके के एट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पेन से लिखना है और फर्स्ट और थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पेंसिल से लिखना है आपको रबर लगेगा शॉर्पनर एंड द स्केल अभी स्केल की ज़रूरत नहीं है जब जरूरत पड़ेगी तभी तो हम वो यूज़ करेंगे एक अच्छा सा हेडफोन ले लीजिए जिससे आपको एक अच्छे से साउंड क्वालिटी अच्छे से मिल जाए और ये वीडियो आप जब भी देखिए तो फुल स्क्रीन में देखिए क्योंकि जो लिखा हुआ रहता है वो छोटे स्क्रीन में आपको बराबर नहीं दिखेगा तो उसको आप फुल स्क्रीन कर दीजिए तो आपको वीडियो अच्छे से क्लियर दिखेगा इसमें क्या आपका जो भी मैं लिखाऊंगी वो आपको लिखना जरूरी है कम्पल्सरी है वीडियो तो एंड तक देखना है क्योंकि मैं होमवर्क आपको एंड में भी दे सकती हूँ लास्ट ऑफ द वीडियो ख़त्म होने के बाद या बीच में भी मैं आपको वीडियो के दे सकती हूँ कुछ आपको होमवर्क और लेक्चर अटेंड करना कम्पल्सरी है और आपको इसको फुल्ली वीडियो देखना भी कंपल्सरी है आज का टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन तो बहुत कम सुनना है ज़्यादातर हमने सुना है माइनस छोटे बच्चे सुनोगे माइनस मिस माइनस करना है ये करना है प्लस माइनस लेकिन नॉर्मली हम मैक्स में इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन बोले जाते हैं और सप्ट्रैक्शन में होता क्या है जैसे एडिशन में हम इंक्रीज टोटल सम ये वर्ड यूज़ किए थे ना, वैसे ही सप्ट्रैक्शन में हम डिफरेंस कोई दो नंबर्स या कोई दो चीज़ों में किसी में डिफरेंस फाइन करना हो किसी में कितना कम या ज़्यादा है वो फाइन करने के लिए हम यहाँ पे सप्ट्रैक्शन यूज करते हैं कैसे मालूम पड़ेगा सप्ट्रैक्शन है कि नहीं है एक तो माइनस का साइन होता है नॉर्मल एक लाइन खींची होती वो माइनस का साइन हो गया है यह कभी कभी बोला होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है जैसे तुम्हारे और तुम्हारे भाई या बहन के बीच में एज का क्या डिफरेंस है कितने साल के तुम दोनों के बीच में डिफरेंस है उसी को बोला जाता है सब्ट्रैक्शन तो ये नोट डाउन कर दो आप या अभी जो मैंने लिखा है सब्ट्रैक्शन डिफरेंस डिक्रीज माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन इजिकल टू तो डिफरेंस ये आपको नोट डाउन कर देना है फटाक से नोट डाउन कर दो इसको नहीं तो आप वीडियो को बीच में स्टॉप करके भी नोट डाउन कर सकते हो हम अभी आगे का टॉपिक देख लेते हैं सब सबसे पहले हम ये मिडल पार्ट सीखेंगे मिडल पार्ट में क्या दिया है वो पहले हम बता देंगे यहाँ पर क्या दिया है टेन माइनस टू तो मैंने जैसे यहाँ पे देख सकते हो टेन सर्कल्स बनाए गए हैं काउंट कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर नीचे कितना दिया है माइनस टू तो माइनस टू क्या कर देंगे कोई भी रैंडमली आपको बॉल को माइनस कर देना मतलब कैंसिल कर देना है दोनों हम कैंसिल कर देंगे जिससे मैंने यहाँ पे किया है अब कितने पॉइंट्स लिए बाकी है वो हम काउंट कर तो देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितने पॉइंट्स बाकी हमारे यहाँ पर सर्कल्स एट यहाँ पे कितने लिख देंगे हम एट इसका एक और तरीका है आप पहले से पहले अपने फिंगर्स ओपन कर दीजिए। कितने फिंगर्स ओपन करनी है टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन फिंगर्स ओपन कर दिए कितने माइनस करने बोला है टू तो दो फिंगर्स को हम क्लोज कर देंगे वन टू अब कितने फिंगर्स बाकी हैं काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आ गया हमारा आंसर एट नेक्स्ट नंबर क्या दिया है ट्वेंटी माइनस फोर्टीन ट्वेंटी माइनस फोर्टीन ट्वेंटी माइनस फोर्टीन के लिए क्या करना है अभी जीरो में से फोर तो नहीं जा सकता है तो क्या करेंगे हम वहाँ पे जीरो को कैंसिल कर देंगे और वहां पे लिख देंगे हम क्या लिख देंगे कैंसिल कर देंगे और टू को भी हम कैंसिल कर देना है और इन दोनों के यहाँ पे अलग से क्या लिख देंगे टू के ऊपर हो जाएगा वन और टेन क्या हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे टेन अब टेन में से फोर माइनस कर सकते हैं सबसे पहले टेन फिंगर्स ओपन करेंगे फोर फिंगर्स क्लोज कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन फिंगर्स ओपन हो गई हैं अब हम क्लोज कर देंगे फोर फिंगर्स वन टू थ्री फोर फोर फिंगर्स क्लोज कर दिए अभी कितने फिंगर्स अभी ओपन हमारे लिए काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितनी फिंगर ओपन थी हमारे यहाँ पे सिक्स यहाँ हम लिख देंगे सिक्स अब वन में से वन गया तो जीरो इस तरीके से आपको दिखाना भी इसी तरीके से सब दिखाना है अब हम ये बड़े बच्चों की तो से वो भी देख लेते हैं किस तरीके से हमें ये भी सम करना है क्या दिया है फाइव सिक्स सेवन एट मतलब फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी एट माइनस फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी एट ये सब मैंने पहले ही कर दिया यहाँ पर माइनस करके लेकिन किस तरीके से करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं वापस तो अगेन सेम यूनिट प्लेस से माइनस करना है तो एट माइनस एट जीरो दैन सेवन माइनस फाइव सेवन फिंगर्स ओपन करोगे उसमें से फाइव फिंगर्स बंद कर दोगे सेवन फिंगर्स पहले ओपन करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फाइव फिंगर्स क्लोज वन टू थ्री फोर फाइव हाउ मेनी फिंगर्स ओपन टू ये एक तरीका है छोटे बच्चों के हिसाब से दूसरा तरीका क्या होता है अगर ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे अगर छोटा नंबर है जो भी छोटा नंबर है जैसे यहाँ पे क्या है सेवन माइनस फाइव तो फाइव के बाद सेवन तक काउंट करें फाइव के बाद सेवन तक काउंट करना है तो काउंट करेंगे फाइव के बाद क्या आता है सिक्स फिर क्या आया सेवन आ गया सेवन कितने फिंगर्स ओपन हुई हमारे टू यहाँ पे क्या लिख दिया हमने टू चलो नेक्स्ट के लिए आप ट्राई करते हैं सिक्स माइनस थ्री थ्री से लेके थ्री के बाद जो नंबर आता है वहाँ से लेके के सिक्स तक काउंट करना है तो फोर फाइव सिक्स कितने फिंगर्स ओपन हुई हमारे यहाँ पे थ्री चलो देखो एक लास्ट वाक्य भी फाइव माइनस फोर तो फाइव माइनस फोर फोर के बाद फाइव तक काउंट करेंगे फोर के बाद क्या आता है फाइव कितने आ गया पे वन इस तरीके से आपको सम sum भी सम्स पूरा सॉल्व करके दिखाना है डायरेक्टली अगर आप सम दोगे तो वो होमवर्क आपका मान्य नहीं है वापस रिपीट कर रही हूँ अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करके दोगे मोबाइल या किसी से कैलकुलेटर को कॉपी करके अगर लिख दोगे तो वो मान्य कॉपी है क्या करोगे सभी को इस तरीके से मुझे सम चाहिए अच्छे से समझ गए नहीं समझाए तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हो मैं वापस रिपीट कर दूंगी कि इस तरीके से कौन सा सम कैसे करना है अब आगे देख लेते यहाँ पे मैंने कुछ फर्स्ट प्ले ग्रुप से लेकर थर्ड स्टैंडर्ड तक होमवर्क सम्स दिए गए हैं अब आप लोगों को समझिए किस तरीके से सम्स करना है क्या नहीं करना है थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस कर देती हूँ कुछ ज़्यादा बड़े नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ मैंने कुछ थोड़े बहुत नंबर्स चेंज कर दिए ये कुछ मैंने फोर्टीन सम्स दिए गए हैं ये फोर्टीन सम्स भी करना है प्लस यहाँ पे जो ये हमारे पहले जो मैंने यहाँ पे दो सम्स दिखा है वो भी सम्स आपको करना है टोटल तो कितने सम्स हो गए सिक्सटीन सम्स हो गए हैं आपके लिए प्ले ग्रुप से लेके थर्ड स्टैंडर्ड्स के लिए तो ये फटाफट आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो आराम से नोट डाउन कीजिए अच्छे हैंड राइटिंग में लिखोगे और जब भी आप फोटो मेरे को व्हाट्सअप कर रहे हूँ अच्छे से क्लियर व्हाट्सअप कीजिए क्योंकि आपके मैं चेक करके देख देख भी, भी रही हूँ कि आपने बराबर किया है कि नहीं किया है चाहे तो आप मेरे को पर्सनली भी आप कर सकते हो ग्रुप में अगर आपको नहीं डालना है तो ये हो गया हमारे प्ले ग्रुप से लेके थर्ड स्टैंडर्ड के लिए होमवर्क हो गए है अब हम चला जाते हैं नेक्स्ट हमारे बड़े बच्चों के लिए बड़े बच्चों के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े नंबर्स लिए गए इस तरह से डायरेक्टली आप सम नहीं करोगे इस तरीके से करना है मैं दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से आपके सम्स होने चाहिए डायरेक्टली आप बिल्कुल भी सम्स नहीं करोगे तो यहाँ पर टोटली मैंने ट्वेल्व सम दिए गए और जो मैंने पहले किया था एक वो सम टोटल कितने सम हो गए थर्टीन सम से तो ये थर्टिन सम्स को आपको नोटबुक में डाउनलोड सॉरी डाउनलोड नहीं लिख लेना है सॉल्व कर देना है उसके बाद मुझे आपको व्हाट्सअप कर देना है अगर आप कुछ डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो ठीक है चलो आप फटाफट नोट डाउन कर दो क्वेश्चन को ये आज का लेक्चर्स हो गया कल का लेक्चर्स सर ले लेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं आपको उसमें बताने वाली हूँ कि मल्टीप्लाई किस तरीके से हम कर सकते नॉर्मली भी हम बताएंगे कि छोटे बच्चों के हिसाब से मल्टीप्लाई कैसे होगा और बड़ों के लिए मल्टीप्लाई क्या होगा दोनों दिखाऊंगी तो उसके बाद हम और अलग अलग मैथ्स के इजीली वे सिखाऊंगी मैं आपको स्क्वायर क्यूब्स डायरेक्टली एलेवें से हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी ठीक है थैंक यू फॉर द वॉचिंग इट और अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एट बाय एंड टेक केयर और प्लीज़ घर पर रह के पढ़ाई करो बिल्कुल भी बार मत घूमो कि तुम लोग को भी मालूम है क्या हो रहा है अभी आज कल तो प्लीज़ घर पर रहो सेफ़ रहो अच्छे से रहो टेक केयर बाय